अब्दुल शैतान वाजिम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शुरू करता हूँ। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नया टाइम करने वाला है। उम्मीद करता हूँ मेरे यूट्यूब के तमाम भाई अल्लाह के फायदे से ठीक होंगे। अल्लाह पाक तमाम भाइयों के शौक को सलामत रखे जी। तो आप सबसे तो पहले गुजारिश है कि जो मेरा यूट्यूब का पेज है उमर असीर के नाम से, आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको वीडियो की नई से नई अपडेट मिलते रहे जी। दबाव में याद रखिएगा जी। तो आप सबसे गुजारिश है कि मेरा जो पेज बना है उमर असीर के नाम से यूट्यूब का, उसको सपोर्ट किया करें जी, लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें जी। माशाल्लाह जी शो कर लें जी, साथ में जागीरी मादी के चिक्स का, साथ में ये सर्दी वगैरह होने शुरू हो गई है जी। मुझे खुद सर्दी लग रही है जी, लेकिन माने बहुत सर्दी हो गई है, थोड़ी बहुत ज़्यादा हो गई है सर्दी, तो बीमारी भी आजकल हमारे इलाके में इतनी हुई है, खुशहाली है जिस वजह से बीमारी हो गई है। बारिश नहीं हो रही तो बस एक दो बारिश लग जाएगी तो बीमारी शीमारी खत्म हो जाएगी। तो मुर्गे वगैरह भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ठीक ही हैं, इनके लिए आज हमने मेडिसिन वगैरह भी मंगवा रहे हैं जी, अपना देसी नुस्खे वगैरह इनको दे रहे हैं जी, थूम अदरक लहसुन वगैरह इनको दे रहे हैं जी ताकि बीमार ना हो सके जी। माशाल्लाह पीला वो है, चीना ये है, ठीक है। दो पट्टे और एक बड़ा मुर्गा भी रह गया जी हमारे पास, ठीक है। तो ये नॉट सेल, ये दोनों नहीं सेल होंगे, ना आमरोहा सेल होगा और साथ में जो एक हमारा जो लाखे में निकला हुआ है दो जावे में ब्लैक, ये नहीं सेल होंगे। बाकी दो का और भाई बोल रहे थे उनको भी देना है जी, ये पट्टा नहीं सेल होगा। ये तीन चार पट्टे जो हैं हमने फेवरेट रखे हुए हैं, ये सेल नहीं होंगे कभी भी। ये वाला मेरा, ये वाला फेवरेट मेरा पट्टा है और ब्लैक जावा, ये दोनों में सेल नहीं करूँगा। चुपा में जो कुछ भी हो जाए इन दोनों को सेल नहीं करूँगा। अलबत्त उन दोनों में से वो वाली मादी का सेल हुआ हुआ है जी, उसकी भी बात हुई हुई है, साथ में वो खजूरी की दूसरी मादी है उसकी भी बात हुई हुई है। बस ये आस्ता आस्ता करके जा रहे हैं जी। तो जाहिर सी बात है कि इतने पट्टे और मादियाँ रख नहीं सकते, क्योंकि ये होता है कि मादियाँ वगैरह मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैं जी। इनमें से जनरेशन में से तकरीबन सात ही हैं, दो नौ और ग्यारह, ग्यारह अभी पट्टे अवेलेबल हैं जी, हैं मेरे पास बच्चे पट्टे अभी छोटे छोटे, और दूसरे जो ग्यारह दूसरे बड़े हैं ठीक ठीक है। सारे ऑल टोटल मिला के तकरीबन उनतालीस से ऊपर हैं जी, उनतालीस चालीस थे जी, एक सेल हो गया बड़ा मुर्ग। तो उसके बाद दो तीन का और सौदा लगा हुआ है, वो हमारी पीली जो मादी है वो थोड़ी सी बीमार थी, वो अब ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से ठीक हो जाएगी। तो ये हमारे ये लाखा में है जी मुर्ग, बहुत ही कान दुम में मुर्ग है ये जो अभी मादी के साथ लगा है। ये चीनी मादी है जी, इसकी एक बहन हमारे पास मर गई थी, दो बहनें बची थी। तो देख लें जी माशाल्लाह शो कर लें जी। हमारा ये जो मलासनी ये अंडों पर बैठी हुई है, ये पीला, हाँ ये पीला, ये पीला भी नहीं सील होगा जी। तकरीबन चार जो पट्टे हैं ना वो हमने अपने शो के लिए रखे हुए हैं, चीना दो, आमरोहा तीन, ये एक चार, और ब्लैक जवा पाँच, और एक वो लाखा छः, ठीक है। तो ये तो मैं किसी को दूंगा ये वाला पट्टा, ये जो है ना ये मैं किसी को दूंगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये जो नज़र नहीं आ रही पट्टी, सॉरी पट्टी, वो एक वो बीमार हुआ हुआ है जी, उसको भी हम दवाई वगैरह देंगे जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से वो भी ठीक हो जाएगा जी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी जी। आज हमने अपने मुर्ग वगैरह को खाने में दी हुई है जी, गंदम, कनक, बाजरा, अलसी, और ये दो तीन चीज़ें कल मैंने लाई थी बहुत सारी, ठीक है। तकरीबन 30 से 35 किलो गंदम थी, तकरीबन 8-9 किलो कनक थी, 5-6 किलो बाजरा था, और साथ में तकरीबन 2 किलो की अलसी थी, वो कुछ मिक्स था अलसी और पता नहीं सरसों, हाँ अलसी और सरसों थी वो लाई थी। तो मुर्गों वगैरह को डाली हुई है, धो के भिगा के रखी हुई थी गर्म पानी में, मकई वगैरह इतनी फूली हुई है ना कि इतनी नरम हुई हुई है कि हाथ से टूट जाती है, तो वो हम अपने मुर्ग वगैरह को दे रहे हैं जी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको वीडियो की नई अपडेट मिलते रहे जी। वो हमें याद रखिएगा जी। ओके, खुदा हाफिज़।